हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग इस फोटो को कलर ग्रेड करेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग क्यों प्रोफाइल्स का यूज़ करते हैं लाइटरूम में कलर ग्रेडिंग के लिए, क्यों हमें यूज़ करना चाहिए प्रोफाइल्स का। तो स्टार्ट करते हैं एडिटिंग। सबसे पहले मैं जाऊँगा टेम्परेचर पे जाकर मैं जस्ट इसे ऑटो पे इस तरीके से ऑटो मोड पर डाल दूँगा, ताकि मैं इसके जो वाइट बैलेंस है उसे अच्छे से पहचान सकूँ कि किस तरीके का वाइट बैलेंस इस फोटो के लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद जस्ट मैं इसमें थोड़े से मैनुअल सेटिंग्स किए हैं, वाइब्रेंस और सेचुरेशन को बढ़ाया है, वाइब्रेंस को बढ़ाया है, सेचुरेशन को थोड़ा घटा दिया है -11 से 15 तक। देन फिर इसके टेम्परेचर को +14 कर दूंगा, हल्का सा और बढ़ा दूंगा मैं। इसके बाद जस्ट हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप लाइट्स पे। लाइट्स पे जाने के बाद जस्ट मैं इसके एक्सपोजर्स को हल्का सा यहाँ पर बढ़ाऊंगा, ये कुछ ज़्यादा हो गया, +42 के अराउंड बढ़ाया है मैंने। इसके हाईलाइट्स को यहाँ पर मैं इस तरीके से -100 कर दूंगा। देन इसमें जो कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट को इस तरीके से मैं यहाँ पर -36 के अराउंड ले जाऊँगा। इसके साथ ही इसके शेडोज़ जो हैं इसे थोड़े से अप्स करूँगा, क्योंकि इसके इस फोटो के शेडोज़ में जो है इसके डिटेल्स को लाने के लिए थोड़े शेडोज़ को मैं यहाँ पर बढ़ाऊँगा। साथ ही इसके वाइट्स को थोड़े कम करूँगा, जिससे क्या है क्लाउड्स के डिटेल्स जो है वापस बैक आ जाएँ। साथ ही इसके इसमें ब्लैक्स को हल्का सा यहाँ पर डाउन करूँगा -13। इसके बाद जस्ट हम आएंगे फिर से टेम्परेचर पर जाकर, हमें मिक्स टूल पे जाना है। मिक्स टूल का यूज़ यूजली हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अपने फ़ोटो के किसी पर्टिकुलर जो कलर है उसके ह्यू सेचुरेशन एंड लुमिनेंस को एडजस्ट करना होता है। चाहे हम सेचुरेशन को कम करें या बढ़ाएं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है मिक्स टूल के यूज़ से। यहाँ पर मैं जस्ट रेड्स को सेट किया, देन फिर यहाँ ऑरेंज जो है इसे हल्का सा यहाँ पर -19 ले जाऊँगा। देन फिर इसके सेचुरेशन को हल्का सा बढ़ा सकते हैं, साथ ही इसके ल्यूमिनेंस को भी यहाँ पर मैं +13 तक बढ़ा दिया। येलोस पे जाकर मैं इसके येलोस पे हल्का सा यहाँ पर -16 और इसके सेचुरेशन को हल्का सा यहाँ पर -7 कर दूंगा। साथ ही इसमें हल्का सा ल्यूमिनेंस जो है इसके बढ़ा दूंगा +5 के अराउंड। देन फिर हम ग्रीन्स पे जाएंगे। ग्रीन्स पे जाके मैं इसके जो ह्यू है एंड सेचुरेशन को -100 कर दूंगा, क्योंकि मुझे इसमें ग्रीन्स कलर चाहिए ही नहीं इस फोटो पे। देन फिर इसके एक्वा जो है, एक्वा पर जाकर मैं इसके सेचुरेशन को हल्का सा डाउन करूँगा एंड ल्यूमिनेंस को भी हल्का सा डाउन। आप चाहें तो इसे -100 भी कर सकते हैं इस तरीके से, पर मैं इस फोटो के हिसाब से इसे -28 के अराउंड ही रखना सही रहेगा। इसके देन फिर हम जाएंगे ब्लूज़ पे। ब्लूज़ पे जाकर मैंने इसके ह्यू और हल्का सा यहाँ पर सेचुरेशन को थोड़ा कम किया है, साथ ही इसके ल्यूमिनेंस को मैं यहाँ पर बढ़ा सकता हूँ +18, जिससे क्या कपड़े के जो कलर हैं वो काफ़ी अच्छे लगे। इसमें थोड़े से हल्का सा मैं यहाँ पर सेचुरेशन को बढ़ा दूंगा। देन फिर पर्पल एंड मैजेंटा कलर का यूज़ नहीं करने के कारण मैं इसमें इसे यहीं पर ख़त्म करता हूँ। देन फिर हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप कलर ग्रेडिंग पे। यूजुअली हम लोग कलर ग्रेडिंग का यूज़ करते हैं किसी भी फोटो के शेडोज़, मिड टोन्स और हाईलाइट्स के टोन्स को, कि कलर टोन को चेंज करने के लिए। आप इसमें भी सेचुरेशन दिया हुआ है, इसमें एडजस्ट करने के लिए सेचुरेशन, ल्यूमिनेंस, ब्लेंडिंग का ऑप्शन है एंड बैलेंस का भी ऑप्शन है। इसमें मैं इसके शेडोज़ पे जस्ट इस तरीके के ब्लू स्टोन डालूंगा, इस तरीके के ब्लू स्टोन को रखूंगा इस तरीके से +23 से 20 के अराउंड आप रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने +19 रखा है। मिड टोन्स पे इसमें ऑरेंज के टोन डालूंगा कुछ इस तरीके से, इस तरीके के ऑरेंज टोन आप रख सकते हैं अपने फोटो पे। देन फिर हम जाएंगे हाईलाइट्स पे। हाईलाइट्स पे मैं इसमें थोड़े से येलो स्टोन इस तरीके से रखूँगा, इसे थोड़ा सा ज़्यादा रखूँगा +21 के अराउंड। देन ग्लोबली हम लोग यूज़ करेंगे इस तरीके से। आप राउंड घुमाकर देख सकते हैं कि कौन सा टोन हमारे फोटो पे अच्छा लग रहा है। तो इसके साथ ही मैं यहाँ पर इसमें हल्का सा इस तरीके का टोन्स जो है डाल दूँगा, माइनस सेचुरेशन को इसके थोड़े से माइनस कर देंगे हम, +20 तो नहीं रखेंगे, इसे हल्का और कम करेंगे, +8 रखेंगे। इसे मैंने थोड़ा सा हल्का ग्रीन और एक्वा लुक में रखा है। देन फिर इसे मैं डन कर दूंगा। इसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट स्टेप इफेक्ट्स पे। इफेक्ट्स पे आने के बाद जस्ट के टेक्स्चर जो है इसे थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ाना है हमें +16 के अराउंड, और इसके जो क्लैरिटी है उसे भी मैं +16 रखूँगा। टेक्सचर को और हल्का सा यहाँ पर बढ़ा दूंगा +22 के अराउंड। डीएस को आप यहाँ पे हल्का सा बढ़ा सकते हैं +4 अपने इमेज के हिसाब से।
विग्नेटिंग का यूज़ मैंने इसमें हल्का सा किया है। फेदर को यहाँ पर मैं इसके 100 कर दूंगा, जिससे क्या है एजेस जो है इसके शॉर्प्ट हो जाएँ। विग्नेटिंग में फेदर को 100 रखने से उसके एजेस जो है शॉर्प्ट हो जाते हैं। इसके बाद हम जाएंगे डिटेल्स पे। डिटेल्स पे आने के बाद जस्ट इसमें मैं नॉइस का यूज़ करूँगा, नॉइस रिडक्शन और इसके कॉन्ट्रास्ट और कलर नॉइस एंड डिटेल्स एंड स्मूथनेस को इस तरीके से बढ़ा दूंगा। देन फिर हमें जाना है सेलेक्टिव टूल पे। सेलेक्टिव टूल का यूज़ पे हम जस्ट प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, ग्रेडियंट मैप का यूज़ करेंगे। इसे जस्ट मैं यहाँ पर नीचे से इस तरीके से ऊपर की ओर उठाऊंगा, देन फिर यहाँ पर एडजस्ट करके इसके जो एक्सपोजर्स हैं इसे इस तरीके से डाउन करूँगा। आपको पूरा डाउन नहीं करना है, हल्का सा 3D लुक पे बने इस तरीके से आपको ध्यान रखते हुए इसे एडजस्ट करना है। इसके शेडोज़ को मैं यहाँ पर कम करूँगा, साथ ही वाइट्स हैं ब्लैक्स हैं इसे भी हल्का हल्का कम कर दूँगा। इसके साथ मैं इसके टेम्परेचर को -4 एंड सेचुरेशन को भी -4 की ओर ले जाऊँगा। साथ ही यहाँ पर इसके टेक्सचर जो है इसे हल्का सा यहाँ पर कम कर देंगे, जिससे क्या है थोड़ा ब्लरी लुक आ जाए। टेक्सचर कम करने से हल्का ब्लरी लुक आता है और यहाँ पर क्लैरिटी को भी हल्का कम कर दूँगा। इसके साथ ही हमारे पास है नॉइस, नॉइस को और शार्पनेस को हल्का सा हम बढ़ा सकते हैं। इसे फिर राइट पे क्लिक करने के बाद मैं जाऊंगा जस्ट फिर से सेलेक्टिव टूल पे, प्लस आइकन पे क्लिक करूंगा, देन फिर रेडियल फिल्टर का यूज़ करूंगा कुछ इस तरीके से। आपको जस्ट सर्कल बना लेना है रेडियल फिल्टर का, देन फिर इसे इन्वर्ट कर दूंगा मैं। इसके बाद इन्वर्ट करने के बाद आपको इसके एक्सपोजर्स को डाउन कर लेने। रेडियल फिल्टर का यूज़ हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि थोड़ा सी विग्नेटिंग इफेक्ट बने इस इमेज पे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर -40 से -38 के अराउंड आपको जो थोड़ा सा विग्नेटिंग कर लेना है। इसमें थोड़ा सा यहाँ पर मैं कॉन्ट्रास्ट को ऐड करूँगा +8 जो आउटर एरियाज पे। हाईलाइट्स को यहाँ पर हल्का सा आप डाउन कर सकते हैं -4, शेडोज को -2, वाइट्स को भी -4 एंड ब्लैक्स को -4 कर दिया मैंने। टेम्परेचर पे आने के बाद इसके टेम्परेचर को आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर -4 रखा है। सेचुरेशन को -4, देन फिर टेक्सचर को भी यहाँ पर हल्का सा आप -46, जिससे क्या है ब्लरी, फिर से ब्लरी जो ब्लरी इफेक्ट है वो काफ़ी अच्छा होता है। इससे क्या आपके आई का फोकस जो है सब्जेक्ट पे ही जाएगा। अगर बैकग्राउंड्स के जो एरियाज है वो ब्लर रहेंगे, आउटर के एरियाज जो है ब्लर रहेंगे, तो आपका जाहिर सी बात है जो आई का फोकस है जो ज़्यादा शार्प है उसके ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसके क्लैरिटी को भी थोड़ा कम कर दिया है, नॉइस एंड शार्प को हल्का सा यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। इसके बाद जस्ट मैं इसे राइट पे क्लिक कर दूंगा, देन फिर से हमें जाना है सेलेक्टिव टूल पे और हमें यूज़ करना है ब्रश टूल का। इस तरीके से हमें सब्जेक्ट पे, फोटो के सब्जेक्ट पे पेंट कर देना है। देन फिर हल्का सा यहाँ पर एक्सपोजर्स हैं, हाईलाइट्स हैं, शेडोज़ हैं, वाइट्स एंड ब्लैक्स ऐसे बढ़ा देना है। साथ ही टेम्परेचर को +4 और सेचुरेशन को भी +4 करने के बाद इसमें मैं इसके नॉइस को बढ़ा दूंगा, साथ ही इसमें जो शार्प है उसे +25 के अराउंड रखूंगा। आप चाहें तो इसे ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, पर मैं इसे इस इमेज के हिसाब से इतना ही किया है। टेक्सचर को हल्का सा बढ़ा सकते हैं आप, क्लैरिटी को भी बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। देन फिर इसके कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा मैं +12। इसे फिर मैं यहाँ पर राइट पर क्लिक कर सकता हूँ। आप इस चीज़ का यूज़ रेडियल फिल्टर से भी कर सकते हैं। देन फिर मैं यहाँ पर जाऊँगा फिर से, साथ ही इसमें एक ग्रेडियंट मैप और यूज़ करूँगा थोड़ा सा इस तरीके से। इसे हल्का सा यहाँ पर अंडर एक्सपोज कर दूँगा, देन फिर इसे राइट कर दूँगा। इसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट स्टेप कर्व टूल पे, जिसमें लाइट्स पे जाऊँगा, देन फिर कर्व टूल पे क्लिक करूँगा। इसमें जाने के बाद यहाँ पर शेडोज़ पे एक मिड पॉइंट रखूँगा, पॉइंटर बनाऊँगा, मिड टोन्स पे एक पॉइंटर और देन हाइलाइट्स पे एक पॉइंटर। इसके बाद हाईलाइट वाइट्स के पॉइंटर को हल्का सा डाउन करूँगा, हाईलाइट्स के पॉइंटर को हल्का सा यहाँ पर आप अप कर सकते हैं, देन शेडोज़ के पॉइंटर को हल्का सा यहाँ पर डाउन, और जो ब्लैक्स के पॉइंटर है उसे इस तरीके से अप करके यहाँ पर फेड लुक, हल्का सा फेड लुक या बोल सकते हैं आप मूडी लुक दे सकते हैं। इसके साथ ही जस्ट मैं यहाँ पे ब्लू चैनल पे जाऊँगा, सेम वैसे ही यहाँ पर हल्का सा यहाँ पर उठाऊँगा इस तरीके से, और साथ ही इसके हाइलाइट्स को इस तरीके से बैलेंस करके रखूँगा, मिड टोन्स को भी यहाँ पर पॉइंटर पे लॉक कर दूँगा।
इसके जो वाइट्स हैं उसमें हल्के से मैं येलो स्टोन चाहूँगा, साथ ही इसके ब्लू टोन पे इस तरीके का टोन, हल्का सा ब्लैक्स पे ब्लू टोन चाहूँगा इस तरीके से, देन फिर इसे हम डन कर देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट जो कलर ग्रेड का जो मेन चीज़ का टॉपिक है आज के बारे में, जिसे मैंने बताऊँगा बोला था, वो है प्रोफाइल्स का। जस्ट आपको प्रोफाइल्स पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको बहुत से फ़िल्टर मिल जाएंगे जो लाइटरूम मोबाइल के प्रीमियम और नॉर्मल वर्जन दोनों में अवेलेबल होते हैं। जस्ट आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पर बेसिक है, आर्टिस्टिक है, BMW है, मॉडर्न है एंड विंटेज। तो मैं यहाँ पे विंटेज का यूज़ करूँगा इस तरीके का, थोड़ा सा यहाँ पे मूडी लुक के लिए। तो इसमें 200 से लेकर 0 तक का, 0 कर देंगे तो ये फ़िल्टर जो है आपके फ़ोटो पे अप्लाई नहीं होगा, अगर आप इसे इसके अमाउंट को बढ़ाएंगे तो ये फ़िल्टर आपके फ़ोटो पे अप्लाई होगा। तो इसे मैं ज़्यादा न रख कर 42 के अमाउंट तक इस फ़िल्टर का यूज़ करूँगा। इसे जस्ट मैं यहाँ पर राइट भी कर सकता हूँ। देन फिर यहाँ पे काफ़ी सारे और भी विंटेज के ऑप्शन हैं, आप देख सकते हैं, उन्हें भी चूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोटो के हिसाब से और यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोटो में कलर ग्रेडिंग के लिए। इसे मैं जस्ट यहाँ पर राइट पे क्लिक करूँगा, देन फिर हम जाएंगे लास्ट स्टेप पे, शार्पनिंग का यूज़ करूँगा +37 एंड देन मास्किंग को प्लस की ओर ले जाऊँगा +94 से लेकर 91 तक। आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर शार्पनिंग हुआ है, शार्पनिंग का यूज़ हुआ है हमारी इमेज पे इस तरीके से होल्ड करके। देन फिर हमारी एडिटिंग जो है कंप्लीट होती है इसके साथ ही, आप बिफ़ोर एंड आफ्टर देख सकते हैं इस तरीके से। अगर आपने हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो फिर मिलते हैं आपको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फ्राइडे को, ऐसे वीडियोस हमारे देखने के लिए इस चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।